दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जो आजकल काफी सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, जिसे देखो वो इस देश को सर्च कर रहा है। आपको बता दें कि ये वही देश है जिस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए थे। उसके बाद ये देश काफी लाइमलाइट में आ गया था। ये वही देश है जिस देश की परंपरा ये कहती है कि रात के समय कभी भी किसी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता। लेकिन अपनी परंपरा को तोड़ते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी से मुलाकात की, मोदी जी का स्वागत किया और उनके पैर छुए। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जान गए होंगे कि आज हम आपको किस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बेहद ही खास देश जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी बेहद ही खास देशों में शुमार हो चुका है, क्योंकि जिसे देखो वो इस देश के बारे में जानना चाहता है। दरअसल 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। उनका वहां भव्य स्वागत हुआ था। मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। पीएम मोदी का ये स्वागत काफी खास था। दरअसल पापुआ न्यू गिनी में रात के समय कभी भी किसी देश के नेता का स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के स्वागत के लिए परंपराएं बदल दी गई। आइए आपको इस देश के बारे में कुछ खास जानकारी देते हैं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया में स्थित एक हरा भरा खूबसूरत द्वीपीय देश है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ मुख्य भूमि के साथ 600 नन्हे द्वीप भी है जो कि बेहद खूबसूरत है। इस देश को शॉर्टकट में पीएनजी भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और इंडोनेशिया के पूर्व में ये देश स्थित है। सुंदर खूबसूरत नजारे इस देश की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। द्वीप समूह में 480 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों, जो दुनिया के किसी एक देश में मुश्किल से ही मिलती होंगी। यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा संस्कृतियां हैं। पापुआ न्यू गिनी को मल्टीकल्चर देश भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये है पोर्ट मोरेबी, पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल। इस शहर को 1873 में राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ करीब 360,000 लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाहर ये दक्षिण प्रशांत का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि पापुआ न्यू गिनी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल केवल एक वर्ष का कवर करता है, लेकिन दुनिया की जैव विविधता यानी कि पूरी जैव विविधता का 5% अकेले इस देश में पाया जाता है। है ना कितनी हैरानी वाली बात। दोस्तों, इस देश को रैप्टर का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ के लोग पैराडाइसली नामक पक्षियों को पवित्र मानते हैं। दुर्भाग्य से अवैध शिकार और व्यापार के कारण ये पक्षी अब खतरे में आ चुके हैं, लेकिन इन पक्षियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस देश में दुनिया के दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं। पिटोहुई यहाँ का एक मूल पक्षी है। काले और शाहबलूत अक्षरों वाले मध्यम आकार वाले ये पक्षी काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये पक्षी अपने पंख, त्वचा और अन्य अंगों से जहर उगलते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा शिकार होने के कारण अब ये दिखाई नहीं देते। दोस्तों, हालांकि पापुआ न्यू गिनी बहुत ज्यादा विकसित नहीं है, यहाँ एक और पूरी दुनिया प्रतियोगिता और टेक्नोलॉजी के जमाने में आगे बढ़ रही है। अगर वहीं इस देश को देखा जाए तो ये देश काफी पीछे है। लगभग 40% आबादी आज भी शिक्षा से अलग है। पापुआ न्यू गिनी में बहुत प्रकार के आदिवासी लोग भी रहते हैं। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी पर पहले ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल था। साल 1975 में ये देश आजाद हुआ। इस देश की आधिकारिक जनसंख्या 90,40,000 है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इससे कहीं ज्यादा बताता है। पापुआ न्यू गिनी में 18 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जिसकी वजह से इस देश में भूकंप आते रहते हैं। साल 1880 में इस देश में सोने के भंडार की खोज की गई थी। दुनिया में सोने के प्रोडक्शन में ये देश 11वां स्थान रखता है। पापुआ न्यू गिनी की सेना में स्वैच्छिक आधार पर भर्ती होती है। 16 साल के बाद युवा सेना में जा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अगर किसी युवक ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो वो अपनी इच्छा से और अपने माता पिता की इच्छा से सेना में भर्ती हो सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। इस देश में 800 बोलियों को संरक्षित किया गया है दोस्तों, जो धरती पर बोली जाने वाली भाषाओं का 10% है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि ये देश बहुत ही खास है। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ जब आप जाएंगे तो क्या क्या घूमेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इस देश में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे अपना टाइम बेहतरीन स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय या आर्ट गैलरी।
दोस्तों ये जगह बेहतरीन है। इस संग्रहालय में आपको पापुआ न्यू गिनी के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा, साथ ही यहाँ की संस्कृति के बारे में आप जानेंगे। और हाँ दोस्तों, ये संग्रहालय आपके लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की सैर से पहले उस देश के संग्रहालय में जरूर जाना चाहिए, जहाँ से आपको उस देश के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों यहाँ के लोग एक खास तरह का संगीत प्रदर्शित करते हैं, जिसमें उनके मुखौटे और वेशभूषा काफी अट्रैक्टिव होती है, वो आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें भी मिलेंगी, जो इस देश के बारे में, इसकी परंपराओं के बारे में आपको बताएंगी। आपको बता दें कि ये संग्रहालय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है, और हाँ 2100 रुपए इसकी एंट्री फीस भी है। ये पोर्ट मोरेस्बी न्यू गिनी में है। दोस्तों ये है वीरिया राष्ट्रीय उद्यान, देश के सबसे अधिक पर्यटन स्थलों में से ये एक है। राष्ट्रीय उद्यान न केवल प्रकृति और पक्षी देखने वाले लोगों के लिए, बल्कि शहर और समुद्र को चाहने वाले, उन्हें पसंद करने वाले लोगों के लिए भी है। आप यहाँ पर खूबसूरत पक्षियों को देख सकते हैं, इन्हें देखकर आपको प्यार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ जाने की टिकट लगती है, जो कि लगभग 100 रुपए होगी, और ये जगह पोर्ट मोरेस्बी से 36 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये है रेन फॉरेस्ट, जी हाँ ये प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में ही है, और 11 मीटर शीर्ष चंदवा के साथ वर्षा वन के तहत विभिन्न प्रकार के स्थानीय वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। केसोवरी ट्री कंगारू या स्वर्ग के पक्षी यहाँ दिखाई देते हैं। खारे पानी के जीव भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप समुद्री जीवों के दीवाने हैं तो यहाँ जरूर आइएगा, बहुत खूबसूरती आपको मिलेगी। दोस्तों ये है तारी बेसिन, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ आप जुलाई और सितंबर के बीच सेक्सनी के राजा या स्वर्ग के नीले पक्षियों को देख सकते हैं। ये प्राकृतिक अभ्यारण यानी प्रकृति से प्यार करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों ये है ज्वाला वैधशाला, यहाँ पर ज्वालामुखी से निकले हुए लावा का टेस्ट होता है। पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र के अन्य देशों की तरह यहाँ पर भी कई ज्वालामुखी हैं, जहाँ पर टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर आपको एक्टिव और नॉन एक्टिव दोनों तरह के ज्वालामुखी की टेस्टिंग होते दिख जाएगी। पापुआ न्यू गिनी के देखे गए स्थानों में से ये भी काफी लोकप्रिय है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और हाँ जो लोग ज्योग्राफी से प्यार करते हैं, धरती से प्यार करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत एक्साइटेड जगह है। दोस्तों ये है मुस्तू द्वीप, मुस्तू द्वीप काफी अट्रैक्टिव प्लेस है और वेवाक के तट से कुछ ही दूरी पर है। अक्सर पापुआ न्यू गिनी के पर्यटक यहाँ भी आते हैं, यहाँ बार बार आप आना चाहते हैं, ये बहुत शांति प्रिय जगह है। दोस्तों ये है पोर्ट मोरेस्बी नेचर पार्क, एक अन्य प्राकृतिक आरक्षित। ये पोर्ट मोरेस्बी के आसपास पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है, यहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी। पापुआ न्यू गिनी और पोर्ट मोरेस शहर में शांत और शांत स्थानों को देखने के लिए लोग अक्सर आते हैं। प्रकृति संरक्षण में पूरा पार्क लगभग 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहाँ आप घूम सकते हैं, बेहतरीन टाइम भी बिता सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पापुआ न्यू गिनी, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ और जानकारियों के साथ, कुछ और नए देशों की सैर पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.